हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 11 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 11 वीडियो में विविध प्रश्नावली और क्वेश्चन नंबर है 56। बगल के चित्र में ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर तीन बिंदु ए बी सी इस प्रकार है। देखिए, वो केंद्र वाला वृत्त है जिस पर वृत्त पर तीन बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि एंगल बी ओ सी बराबर 30 डिग्री, एंगल ए ओ बी बराबर 60 डिग्री है। यदि चाप ए बी सी के अतिरिक्त वृत्त पर डी बिंदु है, ए बी सी ये चाप जो देख रहे हैं, इसके अतिरिक्त वृत्त पर एक अन्य बिंदु डी है, तो हमें एंगल ए डी सी का मान निकालना। तो यह एंगल इस पूरे एंगल का आधा होता है, इतना तो पता है ना जी। चलिए देखते हैं, चाहो तो आप लिख सकते हो। इतना कुछ दिया है, ओ वृत्त का केंद्र है, ये अच्छा हो जाएगा थोड़ा ऐसे लिख देने से, केंद्र है, एंगल बी ओ सी, ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, जो 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 मेन चीजें है इसमें से लिख लेंगे, एंगल ए ओ बी बराबर में 60 डिग्री। तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है एंगल ए डी सी का मान। चलिए इसका हल देखते हैं। हम लोग पहले एंगल ए ओ सी निकालेंगे, क्योंकि यह कोण निकलेगा तभी यह निकलेगा, क्योंकि इस कोण का यह कोण आधा होता है। तो यह एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी को जोड़ने से हो जाएगा, है ना। तो ये आपका 60 डिग्री और यह आपका 30 डिग्री, यानी कि एंगल ए ओ सी आ गया यहां से 90 डिग्री। तो हमें पता है कि एंगल ए डी सी जो होगा ना, ए डी सी, वह आधा होगा एंगल ए ओ सी के, क्योंकि हमें एक नियम पता है, हम लोग पढ़े हुए हैं थ्योरम में, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक ही चाप द्वारा बना परिधि पर का कोण, परिधि पर का कोण वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर, सॉरी केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, आधा होता है। तो इसलिए हो गया, यानी कि एंगल ए डी सी निकालना है तो 1/2 और इनटू में 90 काट देंगे, यहां से 45 बार में कट जाएगा, 45 डिग्री यहां से हमारा आंसर आ गया। चलते हैं आप अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला